हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कंप्यूटर बुक का चैप्टर 4 का स्टार्ट करेंगे जो कि है मोर ऑन लोगो। स्टूडेंट्स, में पढ़ेंगे हम कुछ लोगोज की कमांड्स को, ठीक है। यह ये अपने बॉक्स में दे रखी है, इन कमांड्स को सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वाइल यूजिंग MS पेंट एंड टॉक्स पेंट, जब हमने यूज़ किया है MS पेंट और टॉक्स पेंट फॉर ड्राइंग, हम ड्राइंग के लिए, वी हैव एन इरेज टू डू करेक्शन इन अवर ड्राइंग। हम इसमें क्या कर सकते थे कि इरेज कर सकते थे या हमारी ड्राइंग कुछ गलत हो जाती थी। बट लेकिन व्हाट इफ़ वी डू एनी मिस्टेक इन लोगो, लेकिन यद क्या या आप वी डू एनीथिंग मिस्टेक इन लोगो, क्या तुम कुछ भी गलती कर सकते हो लोगो। डोंट वेरी, लोगो आल्सो हैज एन इरेजर, तो जो लोगो है उसमें भी एक इरेजर है टू मेक सच करेक्शन, कुछ करेक्शन करने के लिए। आल्सो इसलिए, और इफ वी डू नॉट वांट टू ड्रॉ लाइंस वाइल मूविंग द टर्टल, हम इसमें टर्टल को मूव करके लाइंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइंस को ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द टर्टल अकॉर्डिंगली। हम जैसे टर्टल को अपना वो देंगे, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, उस तरह से वो मूव करने लगेगा। So we will see how to do all these and many more things. तो इसलिए हम जानेंगे ये कैसे, और इसमें बहुत सी चीज़ें जो हम सीखेंगे और जानेंगे कैसे क्या होता है। बट लेकिन बिफोर दैट लेट हैव ए क्विक रिविजन रिव्यू, हम इसका पहले कुछ रिव्यू लेंगे और वाट वी हैव लर्न सो फार, जो हम जल्दी से सीखने वाले हैं उसके लिए। तो कमांड है प्रपोज का, कम प्रपोज उसका एग्जांपल, ठीक है, कैसे यूज़ होती है। फॉरवर्ड FT, ठीक है, मूव द टर्टल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो हमारे एरो है उसे आगे तरफ, टर्टल है उसे आगे तरफ मूव करना, फॉरवर्ड बाय द स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेप, कितने भी नंबर ऑफ स्टेप, हमें जैसे 10 चलाना, 20 चलाना, 100 चलाना है, कितने भी स्टेप चलाना है, तो हम कैसे लिखेंगे FD 60, हमें 60 कदम चलाना है तो 60 ले देंगे, तो वो 60 आगे चले जाएगा। बैक स्पेस, बैक या BK, सॉरी, moves the turtle in the backward direction, अब क्या है नीचे की तरफ लाना है, पहले FD में हम क्या ले गए थे, ऊपर की तरफ ले गए थे, हम नीचे की तरफ लाना है हमें, ठीक है। इन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेप, कितने भी नंबर ऑफ स्टेप ले सकते हैं, तो उसका एग्जांपल है BK 70। राइट RT टर्न्स द टर्टल इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, अब हमें क्या करना है, उसको घुमाना है किसमें, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, मतलब यू, जैसे हमारी 12 पे होती है, फिर 12 से 1, 2, 3 ऐसे जाती है, इस डायरेक्शन में हमें घुमाना है, इधर से यूं करके घुमाना है, तो हम राइट का यूज़ करेंगे, कितना 80। LT टर्न द टर्टल इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन बाय द स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं हम। अब क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज, मतलब क्लॉक यूं करके घूमती है इधर की तरफ, एंटी क्लॉक वाइज मतलब उल्टी तरफ यूं करके, वो भी हम कुछ नंबर देंगे, जैसे और नंबरों में देते हैं वैसे, LT 80, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, होम में क्या होता है, ब्रिंग द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, अब सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे कहाँ से जाएगा, होम से, इसका लिखते हैं हम होम डायरेक्ट। क्लीन स्क्रीन और CS, क्लियर द मेन स्क्रीन, अब जो हमने काम किया उसे हमें साफ करना है, तो क्या करेंगे हम CS कर देंगे, तो हमारी हो जाएगी क्लीन स्क्रीन हो जाएगी। क्लीन रेज द ड्रॉइंग ऑन मेन स्क्रीन बट द टर्टल स्टे ऑन द लास्ट पॉइंट पोजिशन, अब क्या है, जब हमने CS किया था तो जो टर्टल था वो अपने बैक पोजीशन में था, होम पर चले जाता है, पर जब हम क्लीन करते हैं, जब वो होम पर नहीं जाता, यहाँ हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, वो वहीं पर रुक जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लीन। अब आता है क्लीन टेस्ट और CT, अब हमें क्या करना, केवल जो टेक्स्ट किया हमें लिखा उससे हमें रिमूव करना है, रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम द रिकॉल लिस्ट बॉक्स, अब जो रिकॉल लिस्ट बॉक्स है उसमें से हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट लिखा है हमने उसे हटाना है, रिकॉल लिस्ट वो होती है, यहाँ पे हम कमांड को लिखते हैं, जिस साइज कमांड लिखी जाएंगी उस जगह, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CT। अब सेट टर्न द टर्टल इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, अब हमें क्या करना है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में टर्न करना है, द नंबर ऑफ यूनिट्स बाय विच द टर्टल टर्न्स इज ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम द होम पोजिशन, मतलब होम पोजिशन से जितने भी टर्न और एंटी क्लॉक वाइज हमें टर्न करना उतना हम लिखेंगे, ठीक है। अब आता है प्रिंट PR, डिस्प्ले द नंबर और टेस्ट इन द कमांड विंडो,
अब जो डिस्प्ले करना हमें देखना है, डिस्प्ले करना है कि हमारी कमांड विंडो पे हमने क्या क्या टेक्स्ट लिखा है। हम तो PR से लिखेंगे, PR फॉरवर्ड या हेलो वर्ड, ठीक है। अब आता है कुछ, यू ऑलरेडी नाउ दैट द टर्टल ड्रॉ अ लाइन वाइल इट मूव। हम पहले जानते हैं कि टर्टल कैसे लाइन ड्रॉ करता है जब जब हम उसे मूव करते हैं। बट लेकिन हाउ डज दिस हैपन, पर यह जानते हैं कैसे होता है। द टर्टल हैज़ पेन, जो टर्टल है वो एक पेन है दैट लेट्स इट ड्रॉ अ लाइन एज इट मूव, जो कि इन लाइनों को मूव कराने में यूज़ किया जाता है। लेट अस नाउ लर्न सम मोर लोगो कमांड, हम कुछ और कमांड्स को जानते हैं। दैट लेट यू कंट्रोल द पेन टू द टर्टल टू मेक इंटरेस्टिंग ड्राइंग, जो हमारी ड्राइंग को इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करेंगे। हम उन कमांडों को और पेन को कंट्रोल में जानते हैं। तो पहला आता है आपका पॉइंट पेन अप कमांड, ठीक है। वैन द टर्टल मूव इट इज इट्स पेन, जब हम टर्टल को मूव करते हैं वो क्या होता है, एक पेन होता है। वह विच ड्रॉ द लाइन, जो कि लाइन को ड्रॉ करता है ऑन द ग्राफिक स्क्रीन पर पेन अप कमांड से। लेट्स द पेन ऑन द टर्टल सो इट शुड नॉट लीव द ट्रेन टेल बिहाइंड वाइल मूव इट्स ग्राफिक स्क्रीन, जब हम उसे मूव कराते हैं तो अपनी टेल को पीछे की तरफ छोड़ दिया जाता है और वो आगे तरफ मूव करता जाता है, ठीक है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेन अप कमांड इज PU, जो पेन अप कमांड की फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है वो PU है। दिस कमांड इज वेरी यूजफुल फॉर वांट टू लीव गैप और स्पेस वाइल ड्राइंग। अब जो है और जो इसमें है, सॉरी मैं इसमें जो टेल है वो पीछे नहीं छोड़ते हुए जाता है, ये किस लिए यूज़ किया था हमें, गैप देने के लिए। मेन स्क्रीन पे कहीं हमें गैप देना है तो हम लीव गैप्स के लिए इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कंसिडर सम एग्जाम्पल दैट मेक द पेन अप कमांड, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे होम था, पहले होम पे था, फिर हमने FD60, तो FD60 पर गया ये, फिर PU क्या किया हमने, टर्टल मूव फॉरवर्ड बाय 60 यूनिट, फिर हमने PU का यूज़ किया। तो द पेन ऑफ टर्टल इज लिफ्टेड, तो वो क्या हो गया, लिफ्ट हो गया, मतलब हट गया वहाँ से। फिर हमने FD60, तो टेल को अपने छोड़ के वो जो बीच में था PU वो गैप कर गया, मतलब टेल नहीं आएगी यहाँ पे अब, वो फिर सीधे 60 पर पहुँच गया। इसी तरह ये एग्जांपल है, ठीक है। अब आते हैं हम पेन डाउन कमांड पे, तो देखो द पेन अप कमांड इज यूज टू लिफ्ट द पेन एंड द टर्टल सो इट इज डज नॉट ड्रॉ लाइन वाइल मूविंग। ये हमने इसे पेन लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ नहीं किया था पेन अप कमांड को, किस लिए यूज़ किया था, गैप छोड़ने के लिए। द पेन ऑफ द टर्टल शुड बट द पेन डाउन सो दैट इट स्टार्ट ड्रॉइंग अगेन, जैसे हम पेन डाउन लिखेंगे तो वो फिर से लाइन को ड्रॉ करने लगेगा। द पेन डाउन कमांड इज यूज टू पुट डाउन द पेन, मतलब पेन डाउन का मतलब होता है कि अपनी जो पेन है उसे रखो नीचे, पुट डाउन करो अपनी पेन को टर्टल ऑफ द टर्टल। दिस लेट्स द टर्टल ट्रेस द पाथ एज इट मूव, तो वो पाथ को ट्रेस करने लगेगा हमें कहाँ पे मूव करना है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉर पी पेन डाउन कमांड इज PD, तो PD जो है वो शॉर्ट कमांड है। दिस कमांड डज नॉट अपोज द PU, जे कमांड जे बिल्कुल अपोजिट है, PD इज अपोजिट टू PU, कमांड इज यूज टू दैट टर्टल स्टार्ट फ्रॉम ड्रॉइंग लाइन अगेन, तो ये फिर से लाइन को ड्रॉ करने लगेगा, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है वो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं। पहले क्या था एग्जाम्पल, हमने 50 कदम चला था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो 50 कदम चले फिर PU, पेन द पेन ऑफ टर्टल इज लिफ्टेड, तो जो पेन था वो हमने हटा दिया। फिर हम FD फिर चले 40, ठीक है। फिर हमने PD कर दिया, अब PD किया तो जो FD है वो देखो फिर से चालू हो जाएगा। पहले हमने क्या किया था, अब फिर FD 40 कर दिया, पहला 50 था तो इतना चल लिया था, ठीक है। फिर हमने PU लिखा तो वो गैप दे गया, ठीक है। फिर हमने FD चला फिर वो चलने लग गया, तो मतलब गैप दे के चले आया। फिर हमने PD फिर लाइन फिर से अगेन स्टार्ट हो गई, ठीक है। इस तरह ये काम करता है। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो है। थैंक यू स्टूडेंट्स।